हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर परिसर में एबीवीपी के छात्रों ने प्रदेश सरकार और तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन व सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गयी। इस दौरान एबीवीपी के समस्त कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर परिसर में एबीवीपी के छात्रों ने प्रदेश सरकार और तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन व सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान एबीवीपी के समस्त कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरने में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर के बाहर काफी देर तक मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्रों की मुख्य मांगों में तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस को स्थायी कैंपस में शिफ्ट नहीं करने पर छात्र ऐतराज जता रहे हैं, क्योंकि नया कैंपस बनने के बावजूद भी कक्षाएं बाल स्कूल परिसर में ही चल रही हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी की कमी होने के साथ साथ अध्यापकों के खाली पदों को भरने की मांग और विश्वविद्यालय के लिए बजट मुहैया करवाया जाए। छात्रों ने प्रदेश सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि यहां पर चल रहे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के नाम पर ली जा रही भारी फीस के बोझ को कम किया जा सके। आज का जो ये हमारा धरना प्रदर्शन है, ये विश्वविद्यालय की कई समस्याएं जो जिनका दो पिछले दो सालों से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं, जो जैसे कि कई समस्याएं, जैसे लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, एवं और भी कई समस्याएं हैं, जैसे फिजिक्स और एचएम के कोर्सेज के लिए जो लैब्स उपलब्ध नहीं है, तो उनको उन सभी यूनिवर्सिटी की डिमांड्स को लेकर आज ये जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें और भी कई डिमांड्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स के जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और यूनिवर्सिटी को एक बजट जो है बजट का प्रावधान पूरे प्रदेश सरकार द्वारा किया जाए, जिससे मतलब कि कई स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं, तो जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है इसको किसी प्रकार का बजट नहीं मिलता है केंद्र प्रदेश सरकार से, तो इसकी फ़ीस जो है वो काफ़ी अधिक है, जिसका मतलब काफ़ी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी मतलब जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट जो है इसको इसकी फीस भी थोड़ी कम की जाए, एवं यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द उसके स्थायी कैंपस में, जिसका प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 6 दिसंबर को उद्घाटन कर गए हैं, पर अभी तक यूनिवर्सिटी की नाकामी इतनी है कि अभी तक जो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेज जो अभी भी बॉयज़ स्कूल में या फिर बड़ू के पॉलिटेक कॉलेज में लगा रहे हैं, उनको अभी तक अपने मेन कैंपस में जो है शिफ्ट करने के में अभी तक यूनिवर्सिटी असमर्थ है। मैं आपके माध्यम से ये सभी विषयों पर प्रकाश डालना चाहता हूं, ताकि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो सके। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष सूरज जरियाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को काफी समय से अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस को स्थायी कैंपस में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है और छात्रों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे छात्रों में गहरा रोष बनपा हुआ है। प्रदेश सरकार नाकाम है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, आज जो प्रदेश में शिक्षा का स्तर है वो काफी हद तक गिर चुका है। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, जहाँ यूनिवर्सिटी में नए नए शोध, नए नए इनोवेशन की बात करनी चाहिए, वहाँ बॉयज स्कूल में यूनिवर्सिटी लगाते हैं, तो आप खुद बताइए कि वहाँ कोई भी स्टूडेंट्स है वो क्या सीख, यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट क्या सीख पाएगा, वहाँ कौन सी टेक्निकल नॉलेज वो गेन कर रहा है वहाँ बॉयज स्कूल में बैठ के, ऐसे कैसे विकास होगा और हमारे देश का भी और हमारे प्रदेश का भी। सरकार नज़रअंदाज कर रही है। वहीं आप 2-3 महीने पहले की बात है कि
टेक्निकल यूनिवर्सिटी का टेक्निकल मिनिस्टर का एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें वो लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, तो भी ये भी एक सरकार की एक मतलब नज़रअंदाज करने की वो है कि सरकार यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान ही देना चाहती है। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में रैली करते हैं और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं, पर उनको मैं खुद उनका ध्यान अपनी प्रदेश में चल रही टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जहाँ के स्टूडेंट्स खुद बॉयज स्कूल में क्लासेस जाते हैं, तो आप कैसे दिल्ली की शिक्षा को आप हिमाचल की शिक्षा से कंपेयर कर सकते हैं।